इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। मध्य प्रदेश में चुनावी साल का आगाज हो गया है और ऐसे में चुनाव लड़ने इच्छुक नेता अपनी अपनी विधानसभा में सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में छतरपुर की बिजावर विधानसभा में कांग्रेस से टिकट की इच्छा रखते हुए भुवन विक्रम सिंह बिजावर विधानसभा में 3 जनवरी से जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं, जिसके 2 फेज पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आज भुवन विक्रम सिंह ने अपने निज निवास पर एक प्रेस वार्ता रखी, जिसमें पत्रकारों से रूबरू होते हुए उनके सवालों के जवाब देते अपनी भी यात्रा और विधानसभा को लेकर चर्चा की। हम आपको बता दें, इस दौरान भुवन विक्रम सिंह ने बिजावर विधानसभा के करंट विधायक यानी कि सिटिंग MLA बबलू शुक्ला पर भी बिना नाम लेते हुए आरोप लगाए हैं और आरोप इस प्रकार लगाए गए हुए हैं कि उन्होंने कहा कि जब हम अपनी यात्रा में पंचायत और ग्राम ग्राम गांव गांव जा रहे हैं, तब वहां के सरपंच जनप्रतिनिधि और नेता हमसे मिलना तो चाहते हैं, हमारे पास आना तो चाहते हैं, लेकिन खुल के सामने नहीं आ पाते हैं और कहते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे ऊपर क्षेत्रीय विधायक कानूनी कार्यवाही या हमारे व्यापार में हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आरोप लगाते हुए भुवन विक्रम सिंह ने कहा कि शराब के ठेकेदारों से वैसे ही मध्य प्रदेश परेशान है शराब की बिक्री को लेकर, और इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक खुद एक शराब कारोबारी हैं, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि इस वजह से क्षेत्र की जनता यानी कि महिलाएं और बुजुर्ग काफ़ी परेशान हैं, जिसको लेकर लोग हमसे वहां की समस्याएं बताते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा भुवन विक्रम सिंह ने। और अब पिछले 33 साल से मैं इस क्षेत्र में रह हूँ, आप 33 साल की मेरी उम्र होने जा रही है, आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमने मारा पीटा हो, डांटा हो, चिल्लाया हो, गाली दी हो। और आप पूरे बिजावर विधानसभा क्षेत्र में निकल जाइए, आप सरपंचों से मिलिए, आप ठेकेदारों से मिलिए, आप अधिकारियों से मिलिए, एक लगातार विधायक जी की तरफ से डर का माहौल बनाया जा रहा है, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हें अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर निर्णय नहीं लेने दिया जा रहा है। अगर वो किसी विपरीत विचारधारा में काम करते हैं, विपरीत पार्टी का काम करते हैं, तो उन्हें परेशान किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सरपंचों के काम रोक दिए जाते हैं। तो जो ये डर का माहौल बनाना होता है, इसको समझ सही कहा जाता है। तो अगर हमारे कारण से आप कहीं लगे क्षेत्र में कि डर का माहौल है, तो आप हमें समझाही कहिए, और अगर विधायक जी की तरफ से आपको लगे कि डर का माहौल है, तो आप उन्हें समझ। विधायक जी का तो सुना आपने किस प्रकार के आरोप लगाए हैं भुवन विक्रम सिंह ने, और अपनी यात्रा और विधानसभा को लेकर पत्रकारों से क्या कुछ चर्चाएं करी। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस।